आज यहाँ एक ऐसे खेल के खिलाड़ी आ रहे हैं जो शायद आप सबने, हम सबने बचपन में खेला है, लेकिन ये लोग खास इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने इस खेल में दुनिया के बाकी सारे देशों के प्लेयर्स को धूल चटाई है। प्लीज वेलकम कबड्डी के वर्ल्ड चैंपियंस मिस्टर अनूप कुमार, मिस्टर राहुल, मिस्टर मोहित चिल्लर, अजय ठाकुर एंड जसवीर सिंह। जोरदार तालियां हमारे चैंपियंस के लिए। पाजी हमारे चैंपियंस यहां पे हैं, पूरी दुनिया को हरा के इन्होंने वर्ल्ड कप अपने नाम किया। आपकी चार लाइनें हम सुनने का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। दाव पेंच के ये बाजीगर, जरूरत क्या इन्हें हथियार की, दुश्मन थर्रा जाए ऐसी दहाड़ इनकी ललकार की। अपनी जीत से की है जिन्होंने मां भारती की आरती, दसों दिशाओं में गूंज रही है आवाज भारत की जय जय का। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। और हमें बड़ी खुशी है बाजी इस बात की कि कबड्डी जो है, कबड्डी बड़ा पॉपुलर गेम रहा है हमारे हिंदुस्तान का, तो सबसे पुराना गेम है, और इन लोगों ने उसकी शोभा और बढ़ाई है और ये आज वर्ल्ड कप जीत के हैं। उसके पहले बहुत सारी चैंपियनशिप जो हैं अपने नाम कर चुके हैं। आप सबको, आपकी सारी जितनी भी आपकी अचीवमेंट्स हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और हमें आप पे गर्व है और हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाजी वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद क्या चेंज आता है लाइफ में, कुछ बदलता है वैसे? देखिए चेंज हो जाता है सब कुछ, मुझे तो लगता है। अच्छा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम लोग वर्ल्ड चैंपियन कहलाएंगे लाइफ टाइम तक, मतलब हमारे नाम के आगे हमेशा लगेगा कि ये वर्ल्ड चैंपियन है। जी, तो बहुत बड़ी बात है वर्ल्ड, बहुत बड़ी बात है बिल्कुल। तो आपको सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला आपको क्या लगता है आपकी किसकी टीम के साथ था? हमारा कड़ा मुकाबला कोरिया के साथ काफी टफ मुकाबला था, फर्स्ट मैच था हमारा, ओपनिंग मैच, उसमें हम लोग हार भी गए थे, लूज हो गई थी इंडिया 2 पॉइंट से। उसके वो तो चौड़े हो गए होंगे फिर कि हमने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब आप जीते तो फिर मिले आप कोरियन खिलाड़ियों से? कोरियन खिलाड़ियों से मिले तो सही, वो बहुत ज्यादा खुश थे हमें हराने के बाद, काफी खुशी थी उनके चेहरे पे। जब आप वर्ल्ड कप जीत गए फिर? उसके बाद मिले नहीं शायद हम, वो शायद पहले चले गए होटल से चेकआउट करने। जब हमारे प्लेयर्स ने ईरान को हरा के वर्ल्ड कप अपने नाम किया तो हमारे देश के प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर बच्चन साहब, सचिन तेंदुलकर साहब, शाहरुख खान, आमिर खान, सब ने इनको ट्वीट करके बधाई दी। अच्छा, जब आप बच्चन साहब को रिप्लाई कर रहे थे, आपके दिमाग में आया था कि आपको हमारे शो में आने का मौका मिले? लोग सपाट, लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज आप हमारे शो में आए। अच्छा पाजी, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, बेसिकली जब हम लोग किसी खेल की शुरुआत करते हैं, सपोज आपको पाजी क्रिकेट का शौक है तो आपके पास फैसिलिटीज होंगी, पापा ने बैट ले दिया, कबड्डी ऐसी गेम है आपके पास अंडरवेयर होना चाहिए, आप शुरुआत तो कर ही सकते हो। तो ये आपने ताकत की वजह से कबड्डी शुरुआत की थी? बचपन में कपड़े कम थे क्या, मतलब क्या था माहौल उतने से? गांव में सभी कबड्डी प्लेयर्स थे। अच्छा, गांव में तो ऐसे ही देख देखे बचपन में जाते थे ग्राउंड। ओके, तो देखते अपने बड़े, अपने सीनियर को खेलते हुए, तो हमने भी शुरू कर दी कि यार हमें भी ऐसे ही खेलना है। बहुत, आपने बहुत नाम रोशन किया हमारे देश का। भाजी कबड्डी को हमारे देश में भी, जैसे पंजाब या नॉर्थ साइड के लोग कबड्डी बोलते हैं, वैसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे तमिलनाडु में से साडू गुडू बोलते हैं, साडू गुडू। कोरिया में से पिटू किटू बोलते हैं। साडू पिटू क्या है? साडू गुडू बोलते हैं, आप चेक कर लो गूगल पे, कबड्डी साडू पिटू, साडू गुडू। जैसे महाराष्ट्र में हुतू तू बोलते हैं, बंगाल में बोलते हैं हाडूडू, आंध्र प्रदेश में छेडू। मैं सच्ची बोल रहा हूँ जी, अपने देश में तो जब हम खेलते, चलो ठीक है, जब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलते हो दूसरे देशों, वो क्या बोल के आते हैं? मतलब आप तो कबड्डी कबड्डी बोलते हैं। वो भी मतलब बोलते कबड्डी है, पर थोड़ा तरीका अलग, जैसे कबड्डी कबड्डी, मतलब थोड़ा 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 सा डिफरेंस। जैसे ब्रिटिश लोग तो बोलते हैं कैबडी 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 कैबडी, ऐसे ही ऐसे। अच्छा पाजी, ये बात सच्ची कि आप, मैं, मेरे मन में क्यूरियोसिटी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं जैसे आप सांस आपकी टूटने से पहले आपको उनके पाले में जाके उनको छू के वापस आना है, अगर उसने रिक्वायर्ड टाइम में आप नहीं छू पाए फिर भी आपको वापस आना है, तो जो सांस टूट जाती कभी कभी, किसी की तो टूटती होगी, ऐसा तो नहीं होता होगा कि टूट जाती है?
टूट जाती तो पता चल जाता सबको? नहीं पता नहीं चलता वैसे, क्योंकि मूवमेंट में रहते हैं ना, बॉडी मूवमेंट में. एक्चुअली हाँ, जिसको भी सांस ले लियो कबड्डी कबड्डी कबड्डी, कैसे पता चलेगा? छोटे छोटे सवाल आते हैं ऐसे, कोई भी हम लोग खेल देखते हैं, जैसे मॉडलिंग करती हैं लड़कियां, लड़के मॉडलिंग करते हैं, कई बार वार्डरोब मैलफंक्शन हो जाता है, कभी कपड़ा इधर से गिर गया, बीच में न्यूज़ में भी आया था. हालांकि वो तो चुपचाप अपने रैंप पे चलते हैं अकेले, कोई किसी को तंग भी नहीं करता. इधर तो आपने पूरा जकड़ना, एक दूसरे को पकड़ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे आपने किसी को पकड़ा और लंगोट आपके हाथ में आ गया प्लेयर? बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है, हो जाता है ऐसे में, हो जाता है. समय तो प्लेयर भागता होगा, इसको कवर करने की कोशिश करते हैं और प्लेयर जो होते हैं ना. बाकी अच्छा, दूसरी कई बार हो जाता है, मतलब इज्जत के मामले में दोनों टीमें साथ कवर कर लेते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अच्छी बात है भाजी. वैसे कबड्डी में जिसकी ज्यादा हाइट हो वो उसका ज्यादा फायदा रहता है, क्योंकि लंबा अगर आदमी तो लकीर पे हाथ जल्दी पहुंच जाता है, छोटा है तो उसकी टांग नहीं पकड़ में आती, तो ज्यादा फायदेमंद कौन रहता है, ज्यादा लंबा आदमी के? फायदेमंद दोनों, आदमी में क्वालिटी होनी चाहिए, जिसमें क्वालिटी, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा. भी अजय ठाकुर काफी लंबे हैं जी, और जसवीर काफी छोटे हैं जी, और जसवीर भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं और अजय भी बहुत अच्छा प्लेयर है, तो टैलेंट की बात होती है. अच्छा अनूप, कबड्डी टीम के तो कैप्टन हैं ही, ये इंस्पेक्टर हैं बकायदा, पुलिस में है, तो आपके इलाके में तो बदमाश कोई करते नहीं होंगे? बदमाशी उनको, इंस्पेक्टर खुद ही बड़ा भागता है. ऐसा होता है कभी? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, बाकी पता है सबको कि पुलिस में जॉब करता है मेरे आसपास अभी तो. अच्छा, वैसे मेरा नेचर थोड़ा सॉफ्टी है. अच्छा, मतलब डरने की कोई बात ही नहीं, कोई नहीं डरता ऐसे. अभी सॉफ्ट हो तो वर्ल्ड कप ले आए, वो थोड़ा हार्ड होता तो फिर क्या करते आप? राहुल को ना अपनी इंडियन कबड्डी टीम का पोस्टर बॉय कहा जाता है, ये क्यों? मतलब आपकी कबड्डी अच्छी आती है आपको कि आपकी फोटो अच्छी आती है? अब ये तो मुझे भी नहीं पता क्या अच्छी लगती है. ये उसको क्यों पूछ रहा है, ये तो लड़कियों से पूछ, छोरियों से पूछ, पोस्टर बॉय तभी लगा. राहुल अभी बैचलर हैं, लड़कियां कितनी खुश होती है. तो मतलब अच्छा, आपको कभी ऐसे, मैंने कभी पोज करते हुए देखा ना इनको, आज ऐसे ही करते हैं कि अगर आपको कोई फिल्म ऑफर होती है, आप माशाल्लाह बड़े हैंडसम हैं, तो आपको किसी फिल्म के लिए पोजिंग करनी पड़े, आए दो मिनट चेक करते हैं ऐसे ही. राज दादा हो जरा. राज दादा आपको फोटो खींचनी, ये पोज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पोज करने हैं आज, वो करो जो कभी नहीं करते. एक दो तीन ओए चार पांच तो याद नहीं दे रहा छह पांच कर लेते ना, एक सात थैंक यू राहुल, थैंक यू दास दादा. अनूप आपकी तो शादी हो चुकी है, हालांकि ये इस बात की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हो आपको अलग अलग भाषाओं वाले जो है लोग मिलते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होती? दोस्ती होती है आपकी दूसरे प्लेयर्स के साथ? दोस्ती हो जाती है, बस फीलिंग समझ जाते हैं एक दूसरे की, बाकी इंग्लिश हमारी भी बहुत कमजोर है और उनको भी हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है. जी जी जी. प्रॉब्लम होती है पर फिर भी समझ जाते हैं, जैसे फैजल ईरानी प्लेयर. अच्छा. मेरा काफी अच्छा दोस्त है वो. अच्छा. लीग में भी खेलता है हमारे साथ. ओके. समझते नहीं है ज्यादा पर फिर भी मतलब अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है, पता नहीं क्यों. तो लड़कियां आती है वहां पे मैच देखने कबड्डी के? हाँ बिल्कुल, लड़कियां तो आती है. चलो आपकी तो शादी हो गई राहुल. बताओ भाई राहुल, आप तो जसवीर तो हो गए कंपटीशन से बाहर. हालांकि ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, ये बताते हैं कि नहीं बताते हैं हमारी शादी हो चुकी है. पर वैसे फिर क्या जो फीमेल फैन फॉलोइंग है आपकी, वहाँ पे लड़कियाँ जब आपको मिलती हैं तो आपको बोलती होंगी कि लेट्स गो फॉर ए कॉफी, जाते हो कि नहीं? नहीं नहीं, कॉफी के लिए नहीं जाते. बताना कितने कप कॉफी पी चुके हो? किसी साथ कॉफी नहीं पी अब तक. इतना हैंडसम लड़का है, वर्ल्ड चैंपियन है, ये तो चलो हो गया झूठ, अब सही सही बताओ. सही में नहीं पी पाजी. नहीं, बड़े शरीफ प्लेयर है यार हमारे, और मैं आप पे बहुत गर्व है. अनूप को बोनस का बादशाह भी कहते हैं, ऐसे क्यों पाजी? क्या मतलब बोनस ज्यादा लेते हैं आप दिवाली पे, क्या है ऐसी? नहीं दीपावली वगैरह पे तो नहीं लेता मैं, ग्राउंड में थोड़े ज्यादा बोनस लेता हूँ, इसीलिए बोनस. अच्छा, का बादशाह कहा जाता है इसको. कबड्डी का MS धोनी कहा जाता है मालूम? अच्छा. क्योंकि ये कैप्टन कूल है, मतलब शरीर चाहे गर्म रहे दिमाग में भी गर्मी, लेकिन दिखता बिल्कुल कूल है. बिल्कुल सबके पाजी, जैसे अजय है ना, अजय एनिमल लवर भी है, इनके पास दो डॉग है, एक का नाम है पीटर, पीटर, और दूसरे का बादल.
बादल एक का देसी रखा पीटर मतलब पीटर का पीटर क्यों रखा टांग उठाने से पहले एक्सक्यूज मी बोलता है नहीं वो मैंने जिनसे मैंने लिया था उन्होंने पीटर रखा हुआ था उसका नाम अच्छा अच्छा मैंने भी जब जंजीर जब लिया था अडॉप्ट किया था ये मुंबई पुलिस के पास था पहले तो ये मराठी समझता था पहले पहले मेरे को दो तीन दिन मराठी के वर्ड सीखने पड़े इकड़े इकड़े इधर अभी पंजाबी हो गया है तो बीच में अपनी टीम में से कोई यूपी से भी है कोई असम से है वो कंफ्यूज हो गया अभी वो जवाब नहीं देता कह रहा तुम लोग एक भाषा सीख के आओ मैं कुत्ता होके सारी सीख रहा हूँ For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.